लेकिन वहां पे कुछ लफड़ा हुआ है क्या? पहले दुल्हन गायब थी, अब दूल्हा। ले अभी एंगेजमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप तमाशा देखो जैसे सब लोग देख रहे हैं। ज्यादा किधर है कि सवाल पूछा था? चाहे अचानक घर चला गया, हे भगवान, न कि उसको चिराग और प्रार्थना के बारे में पता चल गया है। तुम लोगों को आने में इतना टाइम लग गया, सबको यहाँ पर लगा कि तू और प्रार्थना भाग गए। मुझे पता है चिराग, प्लीज मुझे पता है तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बापू द्रोण सुशीला वो लड़की के माँ बाप है चिराग, उनको तो चिंता होगी ना। पता है कि तुम मुझे माफ कर दे पुष्पा, मुझे तुझ पे और चिराग पे बेमतलब सा किया। सॉरी, बहुत बहुत बड़ा वाला सॉरी। मुझे माफ कर दे बेटा, तू जो ये कर रहा है ना वो आसान नहीं है। मैं जानती हूँ और इसीलिए बेटा तेरे से माफी मांगती हूँ। धन्यवाद के साथ साथ तुझे आशीर्वाद देती हूँ। खुश रहना सुशीला, तू भी सबका टेंशन मत ले रहे, तू सगाई पर ध्यान दे। प्रार्थना हुई कि नहीं तैयार? क्या हुआ? अरे बोल ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या बात है? जय ने सगाई करने से मना कर दिया पुष्पा। क्या कहीं उस चिराग और प्रार्थना के बारे में पता तो नहीं चल गया? इसलिए तो मना नहीं कर दिया उसने। अब फिर से कॉल रिसीव नहीं कर रहा है ये लड़का। दिखती कहाँ है? मम्मी भी दिखाई नहीं दे रही। सुशीला काकी के घर गई होगी, पता नहीं भाई अब क्या होगा। पन्नू की एंगेजमेंट टूट गई तो हमारी बात भी सबके सामने आ जाएगी। सनी, जय की कोई अपडेट? नहीं, काका ने मुझे जय को लाने बोला था पर जय फोन ही नहीं उठा रहा है। चिराग, थैंक्स, तूने सबके सामने मेरा नाम नहीं लिया। तुम्हारा नाम लेकर बापोद्रा काका के साथ तुम्हारा रिश्ता बिगाड़ कर क्या फायदा? यार सनी, जय सच में एंगेजमेंट के लिए नहीं आएगा क्या? लगता तो नहीं है, उसने देख भी तो लिया था तुम दोनों को हक करते हुए, कहां से आएगा एंगेजमेंट पे? तुम्हें कैसे पता कि मैं और पन्नू, मैं वही था। तुम दोनों को मिलाने के लिए तो पूरा प्लान किया था, प्यार करते हो एक दूसरे से, इतना तो बनता है ना। निशांत, अब क्या करें? सब लोग राह देख रहे हैं सगाई की विधि के लिए। नरहरी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब अगर जय यहां है नहीं तो एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, आज के लिए ये फंक्शन कैंसिल कर देते। अरे नहीं, क्या क्या बोल रहा है निशांत,
लड़के का बाप हूं, प्रार्थना की जिंदगी का सवाल है। अगर ऐसे सगाई कैंसिल कर दी तो तरह तरह की बात करेंगे लोग समाज में, तो और कर क्या सकते हैं। जय, अरे ओ जय कुमार। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते। अरे बस 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 बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सॉरी वो कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मैं एंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ। वाह, इसने हमें साथ देख लिया था, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आप प्रार्थना को बुला लीजिए, जल्दी से विधि कर लेते हैं ताकि ये टेंशन खत्म हो। अरे रुकना भाई, पहले दूल्हे राजा का स्वागत तो करने थे बापोदरा को। आओ भाई आओ। जो हुआ गलत हुआ, इसे तुम चाहते हो उसे तुम पा सकते हो बेटा, बलिदान देने से दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर एक बार मुझसे सलाह ली होती तो आज सगाई तुम्हारी और प्रार्थना की हो रही होती, और ये आंसू खुशी के होते, दुख और लाचारी के नहीं। मेरे बेटे हो तुम, उस निशांत भाई से 100 गुना ज्यादा दौलत है तुम्हारे बाप के पास, आखिर वारिस हो तुम मेरे, उस जय से बढ़कर हो तुम। पता नहीं तुम्हारी माँ को गरीब और लाचार बनने में, बलिदान देने में क्या मजा आता है। उसे महान बनना है बने, पर उसमें मेरे बच्चे अपने प्यार का बलिदान क्यों दे। मिडिल क्लास मेंटालिटी, अपना हक लड़कर छीनना पड़ता है बेटा। अगर बात ऊंच नीच और खानदान की है ना, एक बार मुझे कहा होता बेटा 20, 50, 100 करोड़ रुपए मिनटों में मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए होते। जो मांगू वो दे सकते हैं आप? मांग के तो देखो बेटा, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम मांगो और तुम्हारा बाप तुम्हें ना दे सके। मेरी मेरी मम्मी ने दुख और तकलीफ में जो 17 साल गुजारे वो उसे वापस लौटा सकते हैं आप? अचानक से आकर 20, 25, 100 करोड़ रुपए की बात करते हैं आप? मम्मी ने रोज सुबह 3 बजे उठकर टिफिन बना बनाकर हम सबको बड़ा किया है, पढ़ाया है, उसका कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं आप? अपनी जिंदगी की सारी खुशियां हम बच्चों पर लुटा दी जिसने, उस बलिदान की कीमत दे सकते हैं आप? दे सकते हैं? हाँ? आप सिर्फ दौलत लुटा सकते हैं, मेरी मां ने दौलत के सिवा सब कुछ लुटा दिया है हम पर, और वो लुटाती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी है। हाँ, मेरी मम्मी की सोच मिडिल क्लास है, पर मेरी मां सही है, सच्ची है, ये मैं जानता हूं। आपके पास सब कुछ है, उसमें से आप कुछ मुझे दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ दिया है हमें। आइंदा उसके खिलाफ एक शब्द भी सुन के नहीं लूंगा मैं। प्लीज आप जाइए। अरे जाइए आप।
और प्यार क्या होता है ना, वो कम से कम आप किसी को ना ही बताए तो अच्छा होगा। डिसीजन अपना था, इसे रिस्पेक्ट करना होगा तुम्हें भी और हमें भी। पी जाओ इन आंसुओं को। पापी चिराग, वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाता इसलिए वो चला गया। बेटा मेरा एक काम करोगी, ये प्रार्थना को दे दोगी प्लीज, उसे कहना मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं भी दे सकता था लेकिन मैं जाऊंगा तो खामा का टेंशन हो जाएगा, और बापदरा को तो तुम जानती हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.